लेकिन एक बार देख लेते हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज को, आज की लिस्टिंग और एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग रही। 231 पर ये शेयर लिस्ट हुआ और अब आप देखिए 31 रुपए ऊपर आ चुका है 240 के लेवल्स पर, एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई है। और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर समित घोष मौजूद हैं, सीईओ हैं उज्जीवन फाइनेंस के। मिस्टर घोष, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर द स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग। एक सही मायने में जब कंपनी लिस्ट होती है तो कहा जाता है कि अब इस कंपनी की एक नई बर्थ हुई है और यहां से अब एक नई जर्नी शुरू होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो फंड्स कंपनी को मिल रहे हैं, क्या उनका इस्तेमाल आप जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके बिल्डअप के लिए करेंगे? और दूसरी चीज ये कि आईपीओ प्रोस्पेक्टस में हमने देखा था कि जो कंपनी के रिटर्न रेशियो वगैरह रहे वो काफी इंप्रेसिव रहे थे, तो फ्रॉम हियर ऑन जो जर्नी रहेगी अगले 2-3 सालों में वो कैसी रहने वाली है? ये तो पहले हमारे जो अभी जर्नी शुरू होने वाला है, ये तो हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक, ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेगमेंट ऑफ हमारे सोसाइटी का सर्व करने के लिए। तो अभी तो फर्स्ट स्टेज का जो हमारे काम था, दैट इज हमारे पहले ओनरशिप 90% फॉरेन था, उनको उतार के मेजॉरिटी डोमेस्टिक बनाना आरबीआई का वो रिक्वायरमेंट था। तो 49% से नीचे आने का टारगेट था, तो अभी हमारे डोमेस्टिक ओनरशिप है 44.86 आईपीओ का बाद, और ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग अभी फाइनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे एक महीना अंदर। और उसके एट द सेम टाइम हम लोग जो असली काम जो है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल, लोगों को ट्रेनिंग, नया रिक्रूटमेंट करना, ये पूरा काम अभी हम लोग शुरू किए थे। अभी हम लोग उसमें ज़्यादा सा फोकस करेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वार्टर 2017 में बैंक लॉन्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल मिस्टर घोष, जिस तरीके से आपने बताया कि आप जो ये बैंकिंग लाइसेंस है, फाइनल बैंकिंग लाइसेंस, एक महीने के अंदर आप अप्लाई करेंगे और 2017 में यहाँ पर आते हुए भी हम उम्मीद कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर एक फॉलोअप सवाल आपसे ये पूछूंगी कि माइक्रो फाइनेंस से शिफ्ट होकर जब आप ये बैंकिंग बिजनेस में आएंगे, किस तरीके का इम्पैक्ट हम प्रोविजनिंग पर देखने को मिल सकता है और क्या यहाँ पर एनपीएस में भी बढ़त की आशंका है आपको? ये हमारे जो आप आरएचपी में देखेंगे होंगे, हमारे एनपीए बहुत ही लो है, यू नो, और हमारे रेशियो है 0.15, ये बैंक से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन जब हम बैंक बनेंगे, हम नया नया सेगमेंट में लोन देना शुरू करेंगे, हमारे फोकस होगा माइक्रो एसएमई, स्मॉल बिजनेस का और माइक्रो बिजनेस का फिनेंसिंग के लिए, शायद वहाँ थोड़ा एनपीए ज़्यादा होगा। उसके लिए हम लोग सफिशिएंट प्रोविजनिंग प्लान करके रखे हैं, वो बैंक का प्रॉब्लम हम लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा। जी मिस्टर घोष, अभी का जो आपका एसेट बेस है वो एक ट्रेडिशनल ग्रुप लेंडिंग सेगमेंट में ज्यादा एक्सपोजर है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ से जो प्रोडक्ट मिक्स होगा उसमें आप कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, क्या वहाँ आपकी कोई प्लानिंग्स हैं और एमएफआई सेगमेंट के बियॉन्ड जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी? और ये हमारे तो अभी 80% जो है ग्रुप लेंडिंग का पोर्टफोलियो है हमारे एसेट बेस में, और 12% है इंडिविजुअल लेंडिंग, जहां हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं फॉर देयर बिजनेस और स्मॉल बिजनेस को के लिए लोन देते हैं। आगे बढ़ के ये सेगमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, यू नो, और ये हमारे फोकस यहाँ रहेगा ज़्यादा, और ये प्रोपोर्शन हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन्स फॉर बिजनेसेस। दूसरा एसेट साइड में है हाउसिंग, हम लोग एक साल आगे हाउसिंग का काम शुरू किए हैं, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी
हमारे पोर्टफोलियो बढ़ेगा। ये है अपना एसेट साइड, लेकिन हम बैंक जब बनेंगे हमारे फोकस होगा डिपॉजिट साइड। ओके, क्योंकि हमको सेफ डिपॉजिट, सेफ जगह सेविंग्स करने के लिए ये सेगमेंट को जो है अंडरसर्व्ड और अंडरसर्व्ड जो बैंक के बाहर सेव करते हैं उसके लिए उसको अट्रैक्ट करना हमारे सबसे बड़ा काम होगा। जी जी जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर घोष, समय दिया आपने जी बिजनेस को और बातचीत की, एंड ऑल दी बेस्ट एक नई जर्नी के लिए जो कि आज से शुरुआत की है उज्जीवन फाइनेंशियल ने। शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छी लिस्टिंग हुई और अभी भी स्टॉक 16% की बढ़त के साथ 243 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और आपने मैनेजमेंट की से बातचीत भी सुनी, 2017 से बैंक ऑपरेशंस शुरू करने की तैयारी ये कर रहे हैं। अभी जो सेगमेंट है उसमें ग्रुप लेंडिंग में ज्यादा एक्सपोजर है, 85% के आसपास का एसेट बेस है जिसको शिफ्ट करने की कोशिश रहेगी टुवर्ड्स इंडिविजुअल लोन्स, टुवर्ड्स अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। तो प्रोस्पेक्ट्स हालांकि काफी ब्राइट हैं उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, पंकज जैन है और सुमित बगड़िया है। पंकज, उज्जीवन फाइनेंस पर आपकी अप्रोच क्या है? अभी आपने मैनेजमेंट को भी सुना, अब से 3 साल बाद एक और लिस्टेड एंटिटी होगी मैनेजमेंट के पास स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस पास्ट में रही भी है कंपनी की जो आईपीओ प्रोस्पेक्टस में जाहिर की थी। तो अभी अप्रोच रखनी क्या चाहिए, जो लिस्टिंग गेन्स आज मिल रहे हैं लेकर बाहर आ जाना चाहिए या फिर फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखते हुए होल्ड रखे उज्जीवन को? देखो, अच्छी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग है एंड अनएक्सपेक्टेड लाइंस हैंगी। और दीपाली, एक चीज और हम देखें, ये जितनी भी ये एनबीएफसी स्पेस है, रूरल फाइनेंस स्पेस है, चाहे उज्जीवन हो, इक्विटास हो, एसकेएस हो, बजाज फाइनेंस हो, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस हो, चोलामंडलम हो, सब के सब एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह की पॉजिटिव ट्रैक्शन और मोमेंटम इन स्टॉक्स को देखने को मिली है, दिस कुड कैरी ऑन, शुड कैरी ऑन। और सबसे बड़ा एक इसके लिए कैटलिस्ट या डैम्पनर रहेगा आने वाली मानसून, क्योंकि अगर मानसून अगर अच्छी रहती है तो मेरे को लगता है कि दिस स्टॉक्स कुड टेक ऑफ फ्रॉम करंट वैल्यूएशन एज वेल। जहाँ तक करंट लिस्टिंग की बात है, आज की लिस्टिंग की बात है, आई थिंक वैल्यूएशन जो थी इसमें कैचअप हो गई हैंगी। जिनका ट्रेडिंग व्यू पॉइंट है, दोज हू आर प्लेइंग फॉर द शॉर्ट टर्म, आई थिंक दे कैन एग्जिट द स्टॉक एंड सॉर्ट ऑफ एंजॉय द मनी। जिनका एक होल्डिंग एक नजरिया है, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने नजरिया, आई थिंक दे कैन कंटिन्यू विद दिस स्टॉक एंड दिस स्पेस एज वेल। चलिए, राय आपको दी गई है उज्जीवन फाइनेंस पर, लॉन्ग टर्म नजरिया है तो होल्ड रखें, लिस्टिंग गेन्स के लिए आपने अप्रोच की थी तो ये मुनाफा लेकर बाहर आ जाए। लेकिन अब शुरुआत करेंगे आपके सवालों की।